अच्छा, तो अब राखी सावंत को भड़का रही हैं दोस्तों देवो लीना, और चल रहा है एक अच्छा खासा बिचिंग सेशन। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो मैं बात बताने वाला हूं दोस्तों वो बिचिंग सेशन से रिलेटेड है। हम सबको पता है कि राखी सावंत ने अब जो है डिसाइड कर लिया है कि मैं जो है रुबीना के अगेंस्ट तो बिल्कुल जाऊंगी जाऊंगी, अभिनव को साम दाम दंड भेद करके पाने की कोशिश करूंगी, जो कि उसका उनका गेम प्लान हो सकता है। जैसे वो अपनी बॉडी में पूरा लव यू अभिनव, और जिस तरीके से वो स्पोर्ट्स बैग पहन के और वो जो हॉट पैंट पहन के घूम रही है पूरे घर में, तो वो पूरा अभिनव अभिनव वो एक साइको लव दिखा रही है वो, राइट। अब आपको बता दूं दोस्तों, उसी चीज को लेकर देवलीना और राखी के बीच में डिस्कशन हो रहा है, और यहाँ पर देवलीना कह रही है राखी तुम्हें ना उन लोगों के चक्करों में मत फंसो, राखी तुम उन लोगों के चक्करों में मत फंसो, और तुम्हें ना जो अपने दिल में आता है ना वो करो, ठीक है। इस पे राखी कहती है हाँ दीदी मैं तो वही कर रही हूँ, दीदी ने हाँ मैं तो वही कर रही हूँ, मैं उनके चक्कर में नहीं फंसूंगी, उनको बुरा इसीलिए ही तो लग रहा है क्योंकि मैं भी अलग हो गई हूँ ना उनसे इस वजह से, और उनको इसलिए बुरा लग रहा है, इसीलिए वो मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बात बोलते हुए नजर आती है दोस्तों राखी सावंत देवलीना को, और आपको बता दूं तो देवलीना कहती है कि राखी तू है ना अकेला खेल, अकेले ही अच्छी लग रही है, और जो तू कर रही है बहुत सही कर रही है, और इन लोगों के चक्करों में मत फंस क्योंकि कहीं ना कहीं तेरी आइडेंटिटी जो है ना दिखाई नहीं दे रही है, दब रही है तू। तो राखी सावंत अब कहती है कि नहीं नहीं मैं रुबीना को तो मैं ऐसे अब जवाब देती हूँ, यूँ जवाब देती हूँ, और अभिनव को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो उसके प्यार में हूँ, ये वो करके राखी सावंत यहाँ पे बात करते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों ऐसे में अब ये जो ड्रामा है राखी सावंत के कितना आगे जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उसको फ्यूल मिल चुका है देवलीना का, और अब देवलीना ने अच्छी खासी देवलीना ने यहाँ पे ये भी सजेशन दे दिया कि ये विकास गुप्ता को भी ना, ये विकास गुप्ता भी तेरे साथ नहीं है, एक बार तू है ना जो विकास गुप्ता बोलता है वो ना कर, और एक बार तू उसको अपनी मर्जी से चला, देखते वो चलता है कि नहीं, ये बात बोलती है देवलीना। सो यस गाइस, इस तरीके से चीजें सामने आई हैं, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।